टैग न्यूज ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अल्तमश शेख। आज हम पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ पर एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर एक वीडियो दो लेडीज़ की बहुत वायरल हो रही है, सनोबर मशालकर और अनम कुरैशी की। वो वीडियो जो है उनका कहना ये है कि जहाँ पर वो रहते हैं उनके ऊपर फेक एलिगेशन लगाकर उन्हें एक FIR कराया गया है, जो कि हकीकत कुछ और है। हम यहाँ के रेसिडेंट्स के पास आए जिन्होंने उस वीडियो में उन्होंने नाम लिया। आज हम उनके साथ मौजूद है। आज हम उनसे सच्चाई जानते हैं कि असल सच्चाई क्या है। आपका नाम क्या है भाई? विशाल लोखंडे। विशाल लोखंडे, जो कि यहाँ के क्या उस वीडियो की क्या सच्चाई है, आप क्या बताना चाहेंगे? वो फेक वीडियो जो उसने बताया वो पूरा फेक है। हम 6 महीने से इधर रह रहे हैं, डेली परेशान कर रही है हमको, हमारे ऊपर गलत एग्ज़ाम लगा रही है, हमारे कास्ट के ऊपर से गाली दे रही है। हम जो सुबह गाना लगाते हैं उसके ऊपर से, बच्चे के स्कूल में वो जाके कंप्लेंट करके आए बच्चे ने ऐसा किया है, उसका हमने NCB किया है। डेली तकलीफ देते हैं, वीडियो किधर भी जाओ वीडियो निकालती है, वायरल कर देती है, धमकी देती है कि पापा गाली गलौज तो डेली का चालू है। जो दिखा रही है वो पूरा गलत है। आप देख सकते हैं हम लोग सब मिलके रहते हैं इधर, कुछ हिंदू मुस्लिम का जो कर रही है वो गलत है। अब जो हम ही नहीं है, हमारे साथ भी मुस्लिम लोग जो है उनको भी बहुत सताया है उसने, 10 साल से सता रहे उसको। हमको तो 6 महीना हो गया, एक साहब दूसरा है महेश वाग 7 महीना का हो गया उधर आ रहता है, उसको भी वही तकलीफ है। कुछ नहीं किया तो भी गलत गंदा गलना गाल देते। मेरी मम्मी को भी इतना गाल दिया, वो अभी घर पर नहीं है, उसको मैं भाई के पास भेजा, उसको पैरलिस का अटैक आया है। वाइफ है, वाइफ दिन भर अकेले रहती, जाते वक्त वीडियो आते वक्त वीडियो, कुछ भी नहीं किया तो गाली देना, गंदा वर्ड्स को बोलना। अभी लेडीज़ गिर से इसलिए हमको कुछ बोलना नहीं है, इसलिए वाइफ को बोला क्या होता तुम भी देख लो। बाद में हमने कंप्लेंट वगैरह किया, NC वगैरह सब किया है, अभी पुलिस के ऊपर छोड़ दिया, जो होता है वो आगे देखेंगे हम। तो जैसा कि भाई आपका नाम क्या है? महेश वाघ। महेश भाई, क्या आप उस वीडियो में आपका भी नाम लिया गया है, तो क्या आप क्या बोलना चाहते हो? वो उन्होंने जो वीडियो बनाया वो सिंपथी गेन करने के लिए वीडियो बनाया, और कुछ नहीं है उसके हाथ में, अभी कुछ है नहीं दिखाने के लिए। जब से उनके ऊपर जो एट्रोसिटी का केस लागू किया गया है पुलिस स्टेशन से, हम लोग ने कंप्लेंट की थी, लोखंडे जो मेन तकरादार हम लोग विटनेस थे वहाँ पे, तब से वो यहाँ से घर छोड़ के चले गए। ये सिलसिला शुरू किस मुद्दे पे हुआ है? ये सिलसिला, इसका मुद्दा उसको झगड़ा करने के लिए या ये करने के लिए कोई सिलसिला या मुद्दा नहीं लगता। वो ऐसी है ना, रैंडमली गाली देती है, वीडियो निकालती है, मेरे भी इलेक्शन ऑफिस में आती है वहाँ पे वीडियो निकालती है, मेरे हेड ऑफिस में आती है वहाँ पे वीडियो निकालती है, मैं बिल्डिंग के नीचे वहाँ पे वीडियो, बच्चे को छोड़ने आता सुबह 8 बजे तब वीडियो निकालती है, रात के टाइम पे 12-1 बजे पूरी फैमिली उन लोग साइकिलिंग करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और वहाँ पे वॉक करते हैं, और हमारे बच्चे दिन में भी अगर वहाँ पे साइकिल चलाए या फिर खेले तो बच्चों को भी नहीं छोड़ती, 5 साल के बच्चे को। बिल्डिंग वाले लोगों ने कुछ उनसे बात करने के बैठ कर सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की? सॉर्ट आउट करने के लायक है नहीं, वो जो भी आता है ना उनके ऊपर फेक एलिगेशन लगाती है। अभी लास्ट मंथ है यहाँ पे एक एंगेजमेंट चल रही थी, तो वहाँ से उसने वीडियो रिकॉर्डिंग करके लोगों की वीडियो निकाल रही थी, नीचे उतर के फोटोज़ निकाल रही थी। क्यों वीडियो? तो बस उसमें मज़ा आता है, उसके घर में कोई मैन नहीं है, जो एक उसका जो सेकंड हस्बैंड है वो रस्ते पर टैक्सी में रहता है। तो क्या वो थोड़ा साइको टाइप है क्या? नहीं, साइको नहीं बोल सकते, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर वो तो आप सबकी वीडियोस निकाल रही है, वो अब वो जाने वो साइको है वो क्या है, हम लोग नहीं बोले। पुलिस स्टेशन में पुलिस ने क्या बोला? पुलिस स्टेशन ने हम लोग हमारी कंप्लेंट्स ली है, और उनकी जो 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 इन्वेस्टिगेशन चालू है उनकी चालू है, कार्रवाई चालू है, तो उसके बीच में हमारे पास जो हमारे एविडेंस है वो हम लोग टाइम आने पे हम लोग दिखा देंगे। हम लोग उसकी तरह वीडियो बना के रोकर सिंपथी गेन नहीं कर सकते, जो है वो है, बस वो रोल ही उसके लिए वो सही हो गया, और हम लोग नहीं रोए तो हम लोग गलत हो गए, वैसे नहीं। ये अभी हमारी अदर साइड की स्टोरी है, ये आप लोग ने जान ली है, तो अभी उसके हिसाब से डिसाइड करो क्या है कैसे। तो जैसा कि हमारे साथ रूबीना मैडम भी है जिनका नाम महेश भाई के बाद उनका नाम लिया गया, और इनकी सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है, जो कि दूसरी वीडियो है कि इन्होंने धक्का मारे बच्चे लोग को, गाली गलौज कर रहे हैं, उसकी वीडियो जो असल सच्चाई है इन्होंने दिखाया है। रूबीना मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर 10 साल से रह रही हूँ, और सेम ये जो पैटर्न इन लोगों का तो 6 महीने से है, मैं 10 साल से ये चीज़ सह रही हूँ। मेरे बच्चों पर FIR करवाई, फिर उसके बाद उसने मतलब उसके बाद भी उसको चैन नहीं आता था, रोज़ाना मेरे आने का इंतज़ार करती थी। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है जो उसने अपने CCTV ऊपर है वहाँ से देखती थी कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, दोनों माँ बेटी आके पैसेज में खड़े हो जाते थे, रास्ता ब्लॉक करना, गाली गलौज करना, गंदे कमेंट्स पास करना, और ये सब के लिए मैं नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करती रहती थी, जिसमें उसने अपने मेरे एक वीडियो में मैंने बताया भी कि वो खुद ही बोल रही है कि 10 साल से खाली पुलिस स्टेशन में जा 15 साल से 2015 से पुलिस स्टेशन में जाती है पर कुछ होता नहीं है।
थैंक्स टू नागपाड़ा पुलिस स्टेशन और मुंबई पुलिस के, उन्होंने सही से इन्वेस्टिगेट किए, उन्होंने देखे कि मामले की गंभीरता क्या है और वो ऐसा देख के वो अपनी कार्रवाई जो कर रही है वो उनका अपना लुकआउट है। हम लोगों का ये है कि हम लोग रोज़ाना ऐसा लगता था हम लोग एक वॉर पे जा रहे हैं और एक वॉर से वापस आ रहे हैं। तो अभी वो लोग है किधर, घर में है या बाहर? नहीं, वो लोग दोनों बहनें हैं, उनका बस डिक्टेटरशिप करना लोगों पर, अपनी तरह से लोगों को जीने देना, सेम पैटर्न में पहले लड़कों के ऊपर FIR करना, फिर उनको हैरेसमेंट करना और इतना करना कि वो छोड़कर शिफ्ट हो जाए, बस उनका यही पैटर्न था और सेम पैटर्न वो यही कर रही थी। ये कोई हिंदू मुस्लिम जातिवाद का ये नहीं है, ये एक मतलब जुल्म और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का वो है। इसने जो बाद में मेरा नाम लिया है कि रुबीना सलीम खान सिखा रही है, तो कोई इतना वैसा नहीं है। मैं गालियाँ उस देना वो उसकी चॉइस थी कि उसने जातिवाद पर गाली दी, ये उसकी खुद की चॉइस थी। मैंने उसके जाके उसको मुँह में डाली तो नहीं कि तुम उसको उसकी जातिवाद पर गालियाँ दो। मैंने जो अपने इंस्टा हैंडल पे अपना वीडियोस अपलोड करी हूँ तो यही बताने के लिए करी हूँ कि ये जो सब कर रही है ये खुद कर रही है। अब मैंने जाके तो उसको नहीं सिखाई, बस मेरा यही बोलना है कि जो सही है, जो भी इस पर कमेंट्स कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से देखें और ख़ुद डिसाइड करें कि उनको क्या समझ में आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही, हम तो हमारी पूरी फैमिली 2015 से परेशान है। इन्होंने बहुत हम लोगों को तकलीफ़ दिया है, मेंटली इतना टॉर्चर किया है ये दोनों माँ बेटी ने, उनकी माँ बेटी का पूरी फैमिली ने टॉर्चर किया है। वो इसका एक भाई आते, दोनों भाई आते हैं, अपने आप को ये खुश होता है, इन लोग ये दोनों माँ बेटी लफड़े करते, ये बाप आएगा इनका, इनकी माँ आएंगी, इनके भाई लोग आएंगे, फिर वो जाके पुलिस स्टेशन में ऐसा कैसे करेंगे, मैं वैसा, मेरे प्रेस में ये पहचान, उसका बाप तो बड़ी बड़ी डिंगे मारेगा, उनके जो बड़े मियाँ हैं, मेरे इधर पहचान है, मेरी उधर पहचान है, मैं ऐसा कर लूँगा। उसके तो ये भी अल्फाज है, पुलिस तो 500 रुपये में बिकती है, ये उसके अल्फाज है, ये बड़े मियाँ के बोले ऐसी चीज़ है, ये ऐसे पुलिस को तो जेब में लेके घूमता हूँ, बोले ये हमारे तो बहुत, बोले कौन किधर जाता है वो इधर जाता है, बहुत धमकी बहुत दिए, इनकी काम ही यही है, इन लोग का पूरा क्रिमिनल माइंड है। ये जहाँ पे पहले रहते थे ना, इससे पहले यहाँ कॉलोनी से मराठा कंपाउंड में रहते थे, बाइकल्ला में रानी बाग के सामने, वहाँ से भी इन लोगों को भगाया गया है, वहाँ से भी इन लोग जब भागे तो वहाँ के लोगों ने लिटरली पटाखे फोड़ के मिठाइयाँ बांटी, ये बोले पनौती हमारे कॉलोनी से चली गई, बोले कंपाउंड से। तो इनका काम ही यही है, ये माँ बेटी का, जितने अपने आपको मजलूम बता रहे उतने मजलूम नहीं है। देखो इंस्टाग्राम में हमने पोस्ट किए, उसमें उनका मजलूम ये तुम्हारे को सामने नजर आ जाएगी, यही है, बाकी तो अल्लाह इनको ये दे बस। इनके आगे पुलिस अभी क्या एक्शन लेने वाली? पुलिस तो देखो, हमने पिछले 6 हफ्ते से हम बार बार इनके परेशानी से हम लोक अदालत जा रहे थे, पुलिस हमको बुला रही थी, पुलिस देख रही थी, पुलिस देखे हम कितने परेशान हैं। जब भी हम दोनों मियाँ भी शाम में घर में आवे, यहाँ गाड़ी खड़ा कर देवे, इनके 5-5 कैमरे लगे हुए, नीचे देख लेवे, हम जैसी पहले जाए दोनों माँ बेटी बाहर आके खड़े हो जाए, पीछे से फिर गाली देवे, फिर हैरेस करे, यही करे हर एक के साथ। हमारे बच्चे जिम से आ रहे तो उनके साथ, बड़ा बेटा काम से आ रहा उसके साथ, यही से बच्ची जा रही है हमारी छोटी जिसको कुछ नहीं था, उसको गाली देवे, गाली देना तो उनके ऐसे कि उनके मुँह में गाली भरी हुई, ये पड़ोस में आए ले इन्हें आ रहे जा रहे इनको गाली दे रहे, तो यही चीज़ है। पुलिस अपना काम कर रही है, मतलब पूरी सोसाइटी उनके खिलाफ है, पूरी सोसाइटी परेशान है, मैं अकेला नहीं है, हमारे घर में FIR है, वो दूसरे खड़े उनकी FIR बनी है, वो एक बच्चा खाली दुबई से छुट्टी के लिए आया था उसके ऊपर FIR है, हर एक को, वो वॉचमैन है उसको भी है ना, जाते जाते वो वॉचमैन है उसका काम ही वॉच करना है, सब आती जाती उसका निकाल रही है फोटो, बोलती तेरा कौन है, उसको बोलती है इसके भी ऊपर NC करूंगी, पंपमैन आया पंपमैन का ऊपर, इसका तो ऊपर लेना भी देना नहीं किसी के घर से, वो तो वुमेंस लोग इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं ना औरतों के कानून का, बहुत उन्होंने उसका गलत फ़ायदा उठाया, उन्होंने बहुत गलत, हम लोग ने कॉलोनी में सबसे बात भी की है, बस ये है कि कोई अगर किसी के झगड़े में आ गया तो वो उसको टारगेट बना लेती थी, यानी लड़ाव और मतलब डिस्प्यूट पैदा करती थी लोगों के बीच में। अभी इसमें इतने लोगों का सब है, सबके साथ कोई ना कोई मसला है, एक घर है इसमें, एक यही बिल्डिंग में घर है, उनके घर वो दोनों, उनके घर के दोनों लड़कों पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वही इनको आइडिया वही देता है, वो भी नाम नहीं बताऊंगा मैं, मगर वो रहेगा देखेगा सुनेगा तो समझ जाएगा, ये आइडिया उनको यही देता है, उसका दिमाग चलता है, वो RTI मास्टर है सर, स्कूल में भी सबके RTI डालेगा, जब भी घरों पे भी इधर RTI डालेगा, ये ऐसा इसका यही काम है, यही काम है, यही करता है, इधर से वहाँ से वो RTI डाल के हमारे खिलाफ वो करता था। मैडम आप क्या बोलना चाहेंगे, जो कि वो लोग ने आपके हस्बैंड ने कहा कि आप सुबह में भजन वगैरह लगाते हो तो उनको गाली गलौज वगैरह कमेंट पास करते हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो आए, हम लोग मराठी बोलते, आम्ही जिथून इथे राहायला आलो ना तिथून शिव्या देते, खूप घाणघाण शिव्या देते, हम लोग बौद्ध है, उसकी जाति के ऊपर से गाली देती है, नीच जात के लोग, मतलब क्या है, हम लोग जात ऐसा तो नहीं है ना कि किसी की जात के ऊपर से गाली दे, मेरे बेटे के ऊपर से भी बहुत बहुत गंदा कमेंट करती है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमको 7 मंथ्स हुए यहाँ पे आके, हम उसको नहीं जानते वो कौन है क्या है, हमको हालांकि यहाँ पे के लोगों ने ऑलरेडी बोला था कि आप वो फ्लैट मत लीजिए, ये लेडी बराबर नहीं है, ये आपका जीना मुश्किल करने वाली है,
तो हमने यह सोचा कि इनका आपस में कुछ रहेगा इश्यूज़, इसके लिए हमने वो मैटर नहीं किया, क्योंकि हमको बहुत टाइम के बाद हमको फ्लैट मिला था रहने के लिए, तो हमने ये इग्नोर की चीज़ें और हमने रहने के लिए आ गए थे। कुछ टाइम तो सब सही रहा, बट फिर बाद में ये मदर डॉटर ने दोनों ने स्टार्ट कर दिया अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करना। हम आते जाते हैं तो हमको अंदर से उनके घर में मेरे 5 साल के बच्चे को डर आती है कि यहाँ पे साइकिल क्या चला रहा है, नीचे जा चल। और खुद वो 12 बजे इतनी बड़ी लेडी होके, कुछ 50+ ईयर्स रहेगा उसका, इतनी बड़ी लेडी होके वो साइकिल चलाती है फ्लोर पे, लेकिन बच्चे को नहीं चलाना है, 5 साल के बच्चे को। उसकी बेटी हमारे घर के पास आके फ़ोन में बात करती है, लेकिन हम उसके घर के वहाँ से क्रॉस होते हैं तो हमको उसके घर की तरफ देखना नहीं है। देखेंगे तो भी ये तो एलिगेशन लगा देगी कि हमारे घर की तरफ देख रहे थे। कंप्लेंट आपने भी किया उनके खिलाफ? यस, हम लोग ने एनसी की है उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का पीछा करती है। उसके ऑफिस में इलेक्शन ड्यूटी पे जाते हैं, वो मेरे हस्बैंड का पीछा करती है, मेरे हस्बैंड के वीडियोज लेती है, उसके बाइक के फोटोज निकालती है और एलिगेशन लगाती है। और जब भी मेरे हस्बैंड आ रहे हैं ऑफिस से तो वो देख लेती है कैमरा से कि यार ऐसा, मतलब पीछा क्यों करते, पुलिस ने इंक्वायरी, एलिगेशन लगाना है। उसका पैटर्न है कि मेरे आड़ोस पड़ोस में कोई रहना नहीं चाहिए, सब भाग जाने चाहिए, मुझे ये जगह मिलनी चाहिए तो मैं आराम से रह सकूं। उसको किसी को रहने ही नहीं देना है, बट ये बीएमसी का क्वार्टर्स है। दोनों बहनें यही करती है, उनको जगह खाली चाहिए, उनको नहीं चाहिए कि कोई उसके आसपास रहे। वो जो उस वीडियो में वो दोनों बहन है या माँ बेटी है? ये दोनों माँ बेटी है, और ये दोनों माँ बेटी का बहुत ज़्यादा ही दादागिरी है फ्लोर पे और पूरे सोसाइटी में। वो पिताजी और बहन, उसके पिताजी है राजेश साहब मशाल कर, वो बोरीवली में रहते, रिटायर्ड है, प्रिंसिपल है। उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बहुत गंदा है, और वो भी है ना यहाँ पे ना, उनको सब वही है, उनके जो मास्टरमाइंड है ना वही है, और उसकी बड़ी बहन राहिल अख्तर, उससे वो भी फरार है, इन लोग भी फरार, सब गायब है। अगर तुम लोग सच्चे हो तो सामने आओ, सामने क्यों नहीं आ रहे? घर बन करके चले गए, घर बन करके चले गए, जब से उनको पता चला दिन हो गया। आज उनको हम लोग ने 28 तारीख से देखा नहीं, हम लोग 26 तारीख को हमारा कंप्लेंट लिया और 27 को दिखा उन लोगों ने, और 28 से गायब है। और वो जो रो के वो सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही है और वुमेन कार्ड जो खेल रही है वीडियो में उस, वो और वो बोल रही है कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हमारे पास तो सारे प्रूफ है, हम रो के नहीं दिखा रहे, बट वी हैव ऑल द प्रूफ, वी हैव ऑल द एविडेंस विद अस। तो हम लोग तो मुंबई पुलिस पर भी बहुत ट्रस्ट करते हैं, और वो अपना काम कर रही है, सब अपना काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा उस वीडियो की दूसरी सच्चाई, जो कि बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि सीएम साहब को उनकी मदद करिए, पुलिस उनकी मदद करिए, बहुत से ग्रुप में भी उस वीडियो वायरल हो रही है, ऑल ओवर मुंबई वीडियो अब तक वायरल हो चुकी है। मगर ये जो सच्चाई है, इतने लोग की जो सच्चाई है, आज हमने देखी है यहाँ पे इस स्पॉट पर आकर। ऐसी हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल ऐसी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक न्यूज़ ऑफिशियल अल्तमश शेख।